हेलो स्टूडेंट स्टूडेंट, आपके सामने जो कैलकुलेशन के वीडियोज हम लेकर आते रहते हैं उसी तरह के रूल्स वीडियो आज आपके सामने है। पेपर आपका नजदीक आ गया है। पेपर आपका नजदीक आ गया है, क्या है कि जो कमजोर बच्चे हैं, जो तेज बच्चे हैं, तो पूरा वीडियो देख लेंगे, कोई दिक्कत होने वाले। जो कमजोर बच्चे हैं सोचेंगे सर ये प्रॉब्लम हमें यहाँ पर बहुत होती है इस तरह की कैलकुलेशन, ये तो मान लीजिए कहेंगे कि हम लगा लेंगे, लेकिन इससे जो हार्ड लेवल की आते हैं वो कैसे लगाएंगे। तो क्या करना है आपको, एकदम कमजोर है तो हमारी प्लेलिस्ट चेक कर लें। तीन चार प्लेलिस्ट है, एक है मैथ्स बेसिक टू एडवांस, और दूसरा है आपका मैथ्स ट्रिकी सोल्यूशन, तीसरा है आपका न्यूमेरिकल ट्रिकी सोल्यूशन, चौथा है आपका पक्षांतर कैलकुलेशन। तो ये चार प्लेलिस्ट देख लेना, मास्टर आप हो जाएंगे, एकदम कैलकुलेशन करना सीख जाएंगे पक्का, एकदम बेसिक जड़ से बताए हैं कहने का मतलब। और ये कैलकुलेशन ट्रिक, कैलकुलेशन कैसे किया जाए, एकदम बेसिक सभी स्टार्ट किए हैं। अभी करंट में ही दो पार्ट निकल चुका है, तीसरा पार्ट डालेंगे, 20-25 पार्ट बनेंगे आपके एग्जाम्स आने से पहले पहले, उसमें 20-25 से कम ही बन सकते हैं, तो जितने भी पार्ट बनेंगे बनेंगे। तो एकदम बेसिक जब जोड़ घटाना गुणा भाग यहाँ से स्टार्ट किया है, मतलब पक्षांतर दशमलव भिन्न जो भी है, सब अंडर रूट स्क्वायर सब स्टार्ट किए हैं क्रम बाय क्रम। तो जरूर उस क्लास को ज्वाइन कीजिए, हम हफ्ते में एक या दो दिन उसको लेकर के आ रहे हैं, क्रम बाय क्रम स्टार्ट मतलब चल रहा है, तो उसको जरूर देखेंगे। यहाँ पर आज हम इसको बताने चल रहे हैं, तो ये एकदम इसमें सारी चीजें भी बताएंगे जो बेसिक हैं और जो आपका ट्रिक करने दोनों बताएंगे। तो सवाल इस एक एक सवाल को हमने यहाँ पर ऐड किया है, और सवाल में हम चलते हैं लगाते हैं आपके सामने कि आखिर सवाल कैसे है क्या है, सारी चीजें आपके सामने लग जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको इसमें जो आपकी संख्याएं होती हैं, मतलब संख्याओं से आप ये समझ सकते हैं, जैसे कि आपकी यहाँ पर संख्याएं होती हैं, जैसे यहाँ पर 3 और गुणे 8 गुणा 10 की घात 2 गुणा 10 की घात 5 गुणा 4 ऐसे गुणे 10 घात 3। ये जो 10 की घात में है, आप देखिए 10 की घात में जो है, जो 10 की घात है, इनको हम एक कैटेगराइज कर देते हैं, मतलब ये एक कैटेगरी में इसको हम समझ लेते हैं कि ये सब एक कैटेगरी है, इनको हम अलग समझ लें और बाकी जो सवाल के जो संख्याएं हैं उनको हम अलग तरीके से समझ लें, तब हमारा सवाल लगाने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, बात को समझिएगा ना, मतलब हम इन जो 3, 8 और ये है और 4, इसको हम अलग लिख लीजिए इस तरीके, देखिए 3, 8 बटा 4 इस तरह लिख दिए, और इसके बाद गुणा में जो आपका ये है 10 की घात 2 गुणा 10 की घात 5 और नीचे 10 की घात 3, इसको हम एक कैटेगरी में कर दिए, मतलब इस संख्याओं को एक कैटेगरी में और 10 घात के कैटेगरी में। अब क्या हुआ कि इसमें थोड़ा इजी हो जाएगा, इन संख्याओं को आपस में काटेंगे, इनको आपस में काट लेंगे, इनको काट लेंगे, जैसे भी कटेगा कटेगा, तो 4 दूना 8 2 बन गया और 3 दूना 6 मतलब यहाँ पर छा गया, और इसको काटेंगे तो इसको काटने के बाद अभी तो कटता नहीं है तो घटता है सीधे सीधे बात, लेकिन क्या हो ऊपर नीचे कट भी जाता है, क्योंकि अगर आप 10 की घात 2 का मतलब, 10 की घात 2 का मतलब आप 100 समझेंगे, 10 दूना मतलब 10 2 बार यानी कि सीधा सीधा 100, तो आप दिमाग लगाइए 10 की घात 3 का मतलब हुआ कि 10 3 बार है, ये बात दिमाग लगे 10 2 बार ऊपर है और 10 3 बार नीचे है, 10 3 बार आपका नीचे है, तो 2 10 तो कट ही जाएगा, 1 10 बच रहा है नीचे। सेम इसी तरीके से इसमें से हम 2 पावर खत्म कर दिए, तो 1 पावर बच रहा है, तो चाहे तो हम इसमें से कम कर दें, या हम इस तरीके से इसमें 5 था इसमें 3 काट दिए, 5 3 काट दिए इसमें बचा 2, अब 2 2 घात बची है यानी कि 10 घात 2 2 4 घात होगी, तो इस तरीके से हम, तो हम चलते हैं अपने सवाल पर, सेम इसी तरीके से समझते हैं। तो हमारा देखिए पहले अगर हम इसको कैटेगराइज कर रहे हैं तो 6.6 गुणा में 3 और बटा में आपका 24, ये तो हमारा एक कैटेगरी हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एक कैटेगरी हो गया। हम इस कैटेगरी को हम यहाँ पर हम ऐड कर लिए, इस कैटेगरी को हमने यहाँ पर ऐड कर लिया। अब क्या करते हैं, इस कैटेगरी को हम अलग से लिख लेते हैं, -34 पावर में है और ये 10 की पावर में 8 है और ये 10 की पावर, सॉरी यहाँ पर लिखा नहीं गया, एक चीज गलती से हो गया होगा क्योंकि लिखा तो गया था वहां पर, मैं कॉपी करते समय यहाँ पर नहीं आया है, ये यहाँ पर 0 था। ठीक है, यहाँ पर 0 था। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसके 10 घात -19 है। अब क्या करना है, यहाँ पर इसको हम अलग काउंटिंग कर रहे हैं, मतलब अलग इसका गुणा कर रहे हैं, तो दिमाग डालिए कि इसमें दशमलव है, इसमें क्या है, दशमलव। अब जब इसका दशमलव हटाएंगे, जिधर दशमलव हटाना हो उसके विपरीत में आप उतने 0 का गुणा कर दीजिए, उतने 0 का, 0 का मतलब आप अगर अकेले 0 का गुणा करना चाहते हैं तो 1 लगा के गुणा करिए, 1 लगा के, जितने पे दशमलव हो मतलब एक अंक पे अगर दशमलव अगर है तो उसके विपरीत में 1 अंक 0 लगाएंगे तो 10 बनेगा, 2 0 लगाएंगे तो 1 लगा के 0 लगाएंगे, तो जितनी भी 0 की जरूरत हो लगा सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 66 ही रहेगा, ये 3 ही रहेगा, दशमलव मैंने हटा के समझ लिया। अब चाहे ये 10 मतलब यहाँ पर एक अंक पे दशमलव हटाया था तो 1 10 बढ़ा दिए, या तो हम क्या करते यहीं पर 0 बढ़ा देते, 2 में से 1 चाहे यहाँ पर उसी किसी संख्या में 0 बढ़ा दो या किस 10 में बढ़ा दो, बात एक ही होने वाली है, तो इसको हमने यहाँ पर बढ़ा दिया। ठीक है, तो हमारा बढ़ गया।
अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये 10 मरा वर्ग है, अब इसको काटना सीखते हैं। देखिए 3 से काटते हैं तो 3 एकम 3, 3 8 24, 8 हो गया ना। अब यहाँ पर देखते हैं अगर हम 4 से काटते हैं या 3 से काटते हैं या 2 से काटते हैं, 2 से काटते हैं 2 चौके 8 और 2 3 6, 2 3 6 कुल मिलाकर के यहाँ 4 और 10 होता है 40, बचा यहाँ पर 33। तो हमारा कितना बचा है, ये 33/40 बचा, इतना बचा है ये वाली कंडीशन में। अगर हम इसको देखते हैं इसमें क्या होता है, इसकी कंडीशन समझिए, जो आप फार्मूला होता है मैथ में आप उसको समझेंगे। तो जो आपका गुणा में हो पावर, जो गुणा में होता है, जो गुणा में पावर होता है उसको ऐड कर देते हैं, और जो भाग में पावर होता है उसको हम घटाना में बदल देते हैं। किसमें, घटाना में। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों गुणा में है तो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, -34 और +8, इसको हम जोड़ दे रहे हैं, जोड़ देंगे। देखिए 34 और 8 दोनों जोड़ेंगे तो हमारा जुड़ेगा नहीं, क्योंकि ये माइनस में है ये प्लस में है, दोनों घट जाएंगे। तो 34 में अगर हम 8 घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा कितना, 26, कितना आ जाएगा, 26, और वो भी माइनस वाले में बचेगा। तो 26 ऊपर बच गया। नीचे की कंडीशन समझते, नीचे वही है, मतलब अब यहाँ पर बोला जाए, यहाँ पर मैंने बोला जो भाग में हो उसको घटाना में लिखिए घात, और जो गुणा में हो उसको प्लस में लिखिए, जो गुणा में हो उसको प्लस में लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर देखिए कि हम इसको, हम 19 को हम ऊपर ले जाएंगे तो माइनस, यहाँ पर माइनस क्या करेंगे, 19 कर देंगे, क्योंकि ये माइनस भाग में है, भाग में ले जाएंगे तो माइनस करेंगे, घटाना में बोला था। अब दोनों माइनस में हो गया, जब दोनों माइनस में हो गया तो 19 और 26 को दोनों को ऐड करेंगे तो 9 और 6 जोड़ेंगे तो 15, 5 और 2 1 3 1 4, 45 हो गया, कितना हो गया आपका, 45 हो गया। इस तरीके से आपका ये 45 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम सारी चीजें एकदम आसान तरीके से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, एकदम बेसिक से सारी चीजें हो रही हैं। कोई दिक्कत होगी तो हमें कमेंट कर देना, ओके। ये हमारा एक बार, अब बताइए किसी बच्चों के यहाँ पर कंफ्यूजन हुआ होगा, क्या कंफ्यूजन हुआ होगा, बोलेंगे सर यहाँ पर नीचे से ले गए तो ये हमारा माइनस में घटाया जाएगा, तो हमने घटाने, लेकिन यहाँ पर नीचे माइनस था, जब ऊपर नीचे कभी भी होता है तो वो घटाना, मतलब यहाँ पर निगेटिव चिन्ह होता है तो निगेटिव, और ये निगेटिव, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सीधी बात इस तरीके समझिए, जब चिन्ह, जब पावर जो है आपकी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, जब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में अगर आ रहा है पावर, तो उसका सिंबल जो होगा वो चेंज कर दीजिए, सीधी सीधी बात हो जाएगी। मतलब यहाँ पर 19 जो होगा ये प्लस में होगा। अब जब 19 और 26 को घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आ जाएगा 7, वो भी माइनस में 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 7। तो इसका मतलब 10 की पावर यहाँ पर ऊपर बच रहा है, -7, कितना बच रहा है, -7। अब इस 40 को काटना है, कोई दिक्कत नहीं यार, इस 10 को आप अलग मान के चलिए, केवल आप 33 को काटिए, दिमाग लगाइए, 33 को काटिए 4 से, 4 से काटिए, 4 5 20, 4 6 ऐसे काटिए, बताइए 4 7 28, 4 32, 8 32, दशमलव लगा, 10 बना, तो क्योंकि एक बचा हुआ, 32 1 33 एक बचा है तो 10 बनेगा, तो 4 2 8, 8 हुआ, 2 बच रहा है, तो फिर 4 5 20, ये हो गया। और इसमें भी 10 था, इसमें क्या था, ये 10 था, ये वाला 10 था, जो 40 था ये 10 था। इस 10 का भाग करेंगे, जब 0 का भाग करते हैं दशमलव एक अंक और आ जाएगा, नहीं तो क्या करते हैं, ये हमारा 7 था, 10 की घात -7 था, और इसको भी हम क्या करते हैं, इसको भी हम इधर भी, ये हमारा 10 की, ये भी माइनस में चला जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे प्लस में, ऊपर भी माइनस में चला जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा इस तरीके से 7 और 1 ये जुड़ करके 8 हो जाएगा। तो हमारा इस तरीके से एक अंक पर हमारा ये भी हो गया और 10 की घात -8 तैयार भी हो गया। तो हमारा कई तरीके से हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, कि इसको हम, जब डेसिमल को हम इधर 0 जो है इसको हम ऐड करके इधर उधर पूरा दशमलव गायब करेंगे तो हमारा 10 की पावर में 10वें में चेंज हो जाएगा, और 10 की पावर 10 में चेंज हो गया तो हमारा एंगस्ट्रॉम का मान हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हो रहा है। सारे सिस्टम को अच्छी तरीके से समझिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। सिस्टमेटिक अगर आप समझते हैं एकदम तो दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए हम दूसरे सवाल पर चलते हैं ताकि आपको टाइम आपका सेव बचे। यहाँ पर दूसरी सवाल, अब की बार थोड़ा सा आसान तरीके से समझिएगा, मतलब जल्दबाजी मत करिएगा, आपको कोई जल्दबाजी नहीं, बहुत ही आराम से धीरे धीरे समझना है। देखिए हम क्या करते हैं, मैंने बोला कि यहाँ पर आप उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही काटना शुरू कर दीजिए, ठीक है, ऐसे ही काटना शुरू कर। जैसे देखिए इसमें एक अंक पर दशमलव है और इसमें भी एक अंक पर दशमलव है, बताइए दशमलव सेम अंक पर है तो दोनों साइड हम 10 10 को गुणा करेंगे तो क्या मतलब यार, दशमलव को गुणा करेंगे दोनों साइड तो 10 से 10 कट जाएगा, मतलब दशमलव दशमलव कैंसिल कर दो, क्योंकि सेम सम प्लेस जो है सेम है, प्लेस सेम है, मैंने दशमलव को खत्म कर दिया, बात साफ, बात साफ। इसमें देखिए एक अंक पर दशमलव, इसमें दशमलव नहीं है,
तो क्या करते हैं, इसमें का दशमलव हम दो तरीके से काट सकते हैं, एक ऊपर या तो आप जीरो बढ़ाओ, या तो निगेटिव पावर में से उतनी पावर कम करो जितने अंक पर प्लेस पर दशमलव है उतनी निगेटिव पावर में से कम करो। दूसरा, उसकी उसी साइड का, उसी जिधर दशमलव हो उसी साइड का पॉजिटिव पावर कम कर दो, उधर ही साइड का पॉजिटिव पावर कर दो, उल्टा साइड का निगेटिव पावर और उसी साइड का पॉजिटिव पावर कम कर दो, दशमलव हट गया, दोनों काम हो गया ना। इधर पॉजिटिव तो पावर है नहीं, निगेटिव पावर इसका मैं कम कर दूंगा, तो ये भी दशमलव हट गया। सीधी बात, आपका दशमलव हट गया, दशमलव आपका हट गया। कैसे हट गया, देखिए यहाँ पर मैं दशमलव हटा के लिख दिया, हटा के लिख दिया है ना। अब हमारा बच क्या रहा है, सोचिए, इसमें दशमलव हटाने के लिए मैंने इसमें से एक पावर कम किया है, इसमें से एक पावर कम किया मतलब यहाँ पर 33 बचा है, बाकी तो आप सेम समझ रहे हैं ना, टोटल मतलब 10 की पावर यहाँ पर 33 गुणा में 10 की पावर 8 और यहाँ पर 10 की पावर 19 गुणा 10 की पावर -7। अब इस पावर को हम कैसे ऐड करेंगे ये चीज हमें देखना है आपको। देखिए यहाँ पर सेम साइड में पावर है तो हमने क्या बोला था, गुणा में हो तो जोड़ दीजिए, मतलब -33 और +8 इसको जोड़ेंगे तो ये जुड़ेगा नहीं घटेगा। 33 में से 8 घटाइए, 33 में से आप 3 घटाएंगे 30, 5 और घटाएंगे तो 25, -25 ये बचा। ओके चलिए, ऊपर वाला हमारा 25 बच गया, नीचे वाले की चर्चा करते हैं। तो यह है 19 और क्या है, 19 और -7 दोनों एक ही साइड को, एक ही साइड हो तो ऐड कर लीजिए, एक ही साइड है दोनों को हम ऐड कर ले रहे हैं, तो हमारा 19 और 7 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, 19 एक 20 और 20 में से 26 हो गया, कितना हो गया -26। ये हमारा प्राप्त हुआ यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ये हमारा घात है, ऊपर की घात ये, नीचे की घात ये, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कुछ इस तरीके से। देखिए इसको हम काट भी लेते हैं थोड़ा बहुत, जिसे देखिए हम क्या करते हैं, इसको हम 6 से काट लेते हैं, अगर 6 से काटता है तो 6 इक्के 6, 6 इक्के 6, ठीक है, और 6 9 54 कट गया ना, 6 9 54 और 6 11 66, ठीक है, अभी 6 से हमारा डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम 2 से जैसे काटे, अभी कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है, तो ये ऊपर 11 बचा है, ऊपर कितना बचा है 11, ऊपर 11 और नीचे साइड हमारा 16 और 9 बचा है, 16 और 9 बचा है, तो 16 और 9 को हम क्या करते हैं यहाँ पर हम लिखते हैं, 16 और 9 को हम यहाँ पर लिखते हैं, तो 16 9 हमारा कितना होगा ये देखते हैं, इसमें भी हम कुछ ये 3 लिखना भूल गए थे, हम 3 लिखना भूल गए थे, सॉरी क्या करें जल्दबाजी में गड़बड़ काम, 3 हमने लिखना भूल गया था, चलिए 3 लिखना भूल गए थे, यहाँ पर काम करते हैं। अब 3 से भी कुछ काटते हैं, 3 1 3, 3 3 9, ये 3 भी खत्म हो गया, 11 बचा, नीचे 16 और 3 बचा है, 16 और 3 को गुणा करेंगे 16 3 48 और ये हमारा बचा। और घात की चर्चा करते हैं तो 10 की घात ऊपर बचा है 25 और नीचे बचा है 26। अब इसका पावर का कैसे कैलकुलेशन करते हैं, देखिए मैंने बोला था 10 की घात यहाँ पर है कितना है -25 पहले से है, और इसमें अगर इस पर चर्चा करें हम, 25 की साइड अगर हम करें तो ये नीचे भाग में है, तो इसको हम प्लस में कर देंगे तो हमारा +26 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 26 से जब हम घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा पॉजिटिव में 1 पावर, पॉजिटिव में 1 पावर हो जाएगा, मतलब हमारा 11/48 का पॉजिटिव में 1 पावर, मतलब 10 की घात 1, और यही 10 हमारा चाहे तो यहाँ से हम काट सकते हैं, 2 से अगर काटते हैं 2 5 10 और 2 2 4 2 4 8 हमारा हो गया 11 5 55, ऊपर हो गया हमारा 55 और नीचे हो गया 24। अब इसको हमें काटना है, आराम से आप इसको काटिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, इसको जो काट लेगा वही उसका आंसर आ जाएगा, काटने का कोई प्रोसेस नहीं। हम क्या करते हैं, अगर हम सीधे सीधे शब्दों में काटते हैं तो देखिए 24 है तो 24 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं, डायरेक्ट पढ़ना हो तो 24 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं, या तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप 25 मान रहे हैं, इसको क्या करिए 25 मान लीजिए और इसको आप कुछ और मान लीजिए, थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, 25 का पारा पड़ेंगे तो 25 2 50 लगभग 2 जाएगा, कितनी बार 2 जाएगा, दिमाग लगाइए थोड़ा सा, क्योंकि फास्ट तरीके से करना है तो आप 24 का पारा पड़ेंगे तब जाकर के ऐसे सिस्टम पर करिए, 25 का पारा सभी को होता है, 25 2 50, 25 75, एकदम ईजी होता है ना, तो इसको हम 25 मान लीजिए और ये तो हमारा 55 है, ज्यादा ही है तो 50 तो इसके अंदर ले रहे हैं, जरूरत पड़ने पर और ले लेंगे, जरूरत पड़ेगी। देखिए 25 2 50 मान के चले हैं, क्योंकि इसमें एक बढ़ाए हैं तो इसमें थोड़ा सा घटाए भी हैं, तो ये चीज आप देख रहे हैं, तो 25 2 50, उसके बाद हमारा कितना बच रहा है,
लगभग देखिए 25 दूना 50 पांच बच रहा है, फिर से 50 बना, फिर से 25 दूना 50 हम चलते हैं, 25 दूना 50। अब इसमें देखिए इसमें 25 लिए थे, इसमें भी आपने बढ़ाते, एकदम 25 दूना 50 पूरा कट गया है, पूरा कट गया क्योंकि दशमलव लगाए थे, पूरा कट गया है। लेकिन सोचिए कुछ पूरा नहीं कटा क्योंकि हमने पहली बार कम पहाड़ा पड़ा, तो थोड़ा संभाल के चलिए, थोड़ा सा अगर हम इसमें बचा लेते हैं 2 3 4 अपने आप से ही बचा लेते हैं, 2 3 4 अगर अपने आप से ही बचा लेंगे तो जो कुछ भी बचेगा उसमें हम यहाँ पर कुछ अपने हिसाब से ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे तो हम 25 का टेबल पढ़ लेंगे, तब हम जाकर के इसको करेंगे। तो इस तरीके से हमारा कुछ इसके लेवल आया, 2.2 4 5 6 7 8 9 कुछ भी मान ले, हमारा 2.2 अंकों का आया। भाग कर लीजिएगा बाकी हो जाएगा। भाग करने का तरीका एकदम आसान था, बेसिक जो होता है, जो आपने कॉन्सेप्ट से सीखा है, जो आपका ट्रेडिशनल मेथड होता है उसकी तरीके से हमने बताया हुआ है, और ट्रेडिशनल मेथड में बहुत सारे मेथड होते हैं, उस सहारे से बताए हैं, जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक हैं। और हमारे इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश की बहुत सारी प्लेलिस्ट, है एकदम मस्त, जरूर देखिएगा। साइंस की एकदम क्लास अच्छी तरीके से, मतलब सारी चीजें एकदम बेसिक से हैं, जो भी देखना चाहिए देख सकता है। मेरे सेकंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल का नाम है, और टेक्नो प्लस हिस्ट्री चैनल के नाम से हमारा एक फेसबुक पेज है, वहां पर वीडियो ये सब ऐड करते हैं, वहां पर भी आप हमसे जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सारी भी जगह जुड़ जाइए, और जो दिक्कत हो कमेंट करिए और हमें अपना रिस्पॉन्स दीजिए, क्योंकि व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर आपको मिलता रहेगा और हमें अपना प्रॉब्लम सुना सकते हैं। नंबर है हमारा 9792506169 पर हमें व्हाट्सएप चैट कर सकते हैं, जब हमारा टाइम मिलेगा तभी हम आपका आंसर देंगे, बाकी देंगे आंसर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, जरूर स्टे रहिएगा, और सारी मैराथन वीडियो हम ला रहे हैं।